दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 25x30 45 हाउस डिजाइन की। 25x45 पर ये पूरा मकान मैंने डिजाइन किया है और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पेड सर्विस का इस्तेमाल किया और उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है। तो इसी आज मॉडल को पूरा आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिसकी चौड़ाई है 25 फिट, लंबाई है 45 फिट और उसमें विद कार पार्किंग और ग्रीन एरिया जिसे गार्डन बोल सकते हैं वो उसके साथ मैंने पूरा मकान डिजाइन किया है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसी का पूरा ए टू जेड मैंने उनके अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। तो आप देख पा रहे हैं इस मॉडल की खूबसूरती कितनी है, सिंपल है, लो बजट है, लेकिन डेकोरेशन अगर आप ऐसा बनवाते तो बहुत खूबसूरत प्लान होने वाला है। 25 फिट चौड़ाई है, 45 फिट लंबाई है, 3 साइड क्लोज। मैं पहले आपको बता दूं, 3 साइड से ये मकान बंद है, केवल फ्रंट से ही आपका ओपन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरे मॉडल का एक एक चीज जानने के लिए। तो उससे अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड न्यू न्यू वीडियोस मिलते रहते हैं, जिसे देखकर आप बेहतरीन सा घर का नक्शा बनवा सकते हैं। जब भी आप एक डिजाइन बनवाना चाहें तो यहाँ पर जरूर आए, जिससे आपको एक नया लुक और बेहतरीन सा लुक मिल सके। और साथ साथ मैंने पेड सर्विस इस्तेमाल की है, शुरुआत की है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर बनवा सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वो हमारी पेड सर्विस है जिस पर आपको पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये पूरा फ्रंट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ग्रिल, इसका मेन डोर। आप मैं जूम करके और चीजें दिखाता हूँ, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, प्रॉपर तरीके से आपकी रेलिंग समझ में आए, रेलिंग कहाँ पर बनी है, क्या बना हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर आप देख पा रहे हो। सबसे पहले अगर बात करेंगे आप, सबसे पहले बात करने वाले इसकी फ्रंट की, देखिएगा ये ओवरऑल जो 25 फीट में है तो इसमें आपको सारी डिजाइन पूरी बन के रेडी हो जाती है। सबसे पहले 2 पिलर बने हैं जो कि व्हाइट की कलर के हैं, उसके बाद हल्की हल्की सी वॉल है क्योंकि 12.5-12 फुट में मैंने डिवाइड किया है। अगर आप वॉल नहीं बनाएंगे तो गेट बहुत ही चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि गेट लगभग 8 फिट का ही मैंने रखा है कार पार्किंग के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिलर, इसका हल्की सी वॉल, इधर भी पिलर वॉल जिसमें आपका गेट सटीक बैठता है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपकी ग्रिल देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर ग्रिल जिसमें मैंने लगा रखी है और ये स्टेयर्स जिसे आप चढ़कर ऊपर जाएंगे। तो ये देखिए कार पार्किंग का एरिया सबसे पहले आपको मिल जाता है, टॉप व्यू में दिखाता हूँ ऊपर से, ये यहाँ से यहाँ तक कार पार्किंग और साइड से आपकी जीना है, जीना स्टेयर्स, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर बाहर की तरफ आ जाएंगे और ये पूरा कार पार्किंग एरिया आप देख पा रहे हो जहाँ कार पार्क होगा। इसका साइड में ये आपका ग्रीन एरिया देखने को मिलता है जहाँ पर अपने प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, पौधे वगैरह। इसके बाद अंदर आप जैसे जाते हैं तो ये आपका गेस्ट रूम है, देखिए गेस्ट रूम के लिए डोर मैंने दिया है, ये विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए, तो ये गेस्ट रूम हो जाता है। इसके बाद मेन डोर ये है जहाँ से आप एक्सेस करेंगे अंदर जाएंगे। तो जैसे आप अंदर जाते हो तो ये एक लॉन आपको मिलता है, मतलब कि आंगन टाइप का मिलता है और इसी आंगन से सभी जगह आपकी एंट्री होने वाली है। सबसे पीछे दोनों बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं डोर, और इस वाले बेडरूम में मैंने डोर विंडो भी दिया है। और साइड में बात करें ये पूरा लेट एंड बाथ काफी बड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं बात करें इस साइड की तो ये आपका किचन एरिया है, तो ये आपका पूजा घर, और किचन का डोर जो मैंने दिया है ना ये रूम की तरफ से दिया है, जिससे आपका लेट एंड बाथ के आमने सामने किचन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ से किचन का डोर दे रखा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से किचन का डोर है, ये जो एरिया बचता है पूजा घर के लिए। तो आपका 3 बेडरूम, तो आपके यहाँ पर बेडरूम, एक गेस्ट रूम और किचन, लेटन बाद बड़ा सा, साथ साथ आपका पूजा घर, आंगन, कार पार्किंग, ग्रीन एरिया के लिए भी जगह मैंने छोड़ रखी है। तो 25x45 फिट में बेस्ट कॉम्बिनेशन घर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो आपने अभी तक देखा। मैं और मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको चीजें और समझ में आ जाए, सारी चीजें रियलिस्टिक आपको देखने को मिल जाए। तो देख सकते हैं, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर। तो ये देखिएगा फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर, जैसा कि मैंने बताया 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, देख सकते हैं 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल, उसी में स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी मैंने बना रखी है। तो देखिएगा ये गुमटी है जिसमें आप डोर के माध्यम से ऊपर आएंगे, और ये ग्रिल, ग्रिल देखिएगा जो आगे जो मेन डोर था इसको मैंने थोड़ा सा आगे हट के बनाया है, आगे वो 3 फिट, और ये जो गार्डन था इसमें भी मैंने ग्रिल को थोड़ा आगे से बनाया है। और ग्रिल का कॉम्बिनेशन देखिएगा कितना बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत ग्रिल भी आपकी यहाँ पर, बहुत ही स्टाइलिश ग्रिल यहाँ पर लगी हुई है। तो ये 25x45 फिट का ओवरऑल मॉडल बनकर रेडी होता है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इन्होंने पेड सर्विस का इस्तेमाल किया उनके लिए ये बेस्ट प्लान है, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के।
प्लान है। तो अगर आप भी ऐसा घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लान पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस प्लान से जरूर जुड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।